अजीत सर जो है वो News 24 और इंडिया टीवी में एज अ मैनेजिंग एडिटर बहुत सालों तक रहे हैं. इसके अलावा 2010 में अजीत सर को रामनाथ गोयनका अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. थैंक यू दीप्ति. और आपका नाम? अंकिता. थैंक यू अंकिता इंट्रोडक्शन के लिए. जो मैं हूँ नहीं उससे कहीं ज़्यादा आपने इंट्रोड्यूस किया मुझे. थैंक यू. टेलीविजन हो या जर्नलिज्म हो या प्रिंट हो या कोई भी मीडिया हो, हर मीडिया में एक स्टोरी टेलिंग होती है. स्टोरी टेलिंग मतलब आप अपनी कहानी, आप अपने खबर, अपनी न्यूज़, अपने जो भी आप कहना चाहते हैं उसको कैसे आप बताते हैं. ये प्रिंट में भी होती है बात, ये टेलीविजन में भी होती है बात, ये डिजिटल के लिए भी है. जब आप किसी खबर के लिए जाते हैं, कोई स्टोरी करने जाते हैं, तो आप एक किरदार तलाशते हैं. किरदार मतलब कैरेक्टर. हर स्टोरी का एक कैरेक्टर होता है. मीडिया में एक्सप्रेशन का माध्यम है कि आप अपनी बात को, अपनी सोच को, अपनी स्टोरी को कैसे विजुलाइज करते हो, कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, कैसे सोचते हो. अभी जैसे पिछले 10 दिन से मुझे लगता है सब लोग अवेयर होंगे कि दिल्ली में स्मॉग और जो सांस लेने की समस्या है, जो एयर पोल्यूशन है, जो तरह तरह की लोगों को शिकायतें हो रही है, दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, सबके एयर पोल्यूशन पे रोज़ खबरें छप रही है अखबारों में, टेलीविज़न में, कि आज आप 3 मिनट की स्टोरी कोई लिखने के लिए और कोई बोलने के लिए, या टेलीविज़न के लिए, प्रिंट के लिए, डिजिटल के लिए, किसी के लिए भी. कोई बच्चा है जो क्लास में बता सकता है कि हम इस स्टोरी को करने अगर कैमरे के साथ जाते हैं, आपको एक कैमरा टीम मिलती है, मिलता है, और उसके बाद आप जाते हो तो क्या क्या शूट करोगे जिससे वो स्टोरी बनेगी? सबसे पहले हम लोग कुछ सेंसेशनल जगह की वीडियोस लेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, या फिर जहाँ पे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोग एडमिट है, या फिर लोग खांस रहे हैं, ताकि उससे पब्लिक पे ज़्यादा इफेक्ट पड़े. मास्क लगाए हुए लोगों का एक विजुअल लेंगे, वहाँ से शुरुआत करेंगे, और दिल्ली में जो भी एटमोसफेयर का एक पूरा विजुअल ले सकते हैं, जिससे हम वहाँ पर हम बताएंगे कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है. स्टोरी शूट करने के लिए सबसे पहले हम उन जगहों का विजुअल लेंगे जो जहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है. उसके बाद हम उसका रीज़न जानेंगे, और हम इस रीज़न को भी ध्यान में रखेंगे कि पिछली बार दिवाली के बाद कितना पोल्यूशन हुआ था और इस बार कितना हुआ है, तो उसके रीजंस क्या हैं, इंक्रीज होने के रीजंस क्या हैं. कैरेक्टर और स्टोरी टेलिंग, कि कैसे किसी स्टोरी को के में किस कैरेक्टर को कैसे पकड़ें, कैसे शुरू करें स्टोरी को जिससे वो असरदार हो, लोग देखें. जो सबसे आखिर में जो इम्पोर्टेंट ये कनू ने कही वो बात, कि ऐसी लाइन लिखें और ऐसे विजुअल्स से शुरू करें जो स्टोरी असरदार हो. विजुअल्स को समझना, जो आप यहाँ 2-3 साल पढ़ोगे तो आप जनरल नॉलेज, बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये सब तो आप करोगे, लेकिन अभी से आप अगर पैरेलल विजुअल्स नरेशन और विजुअल्स पर सोचना शुरू करो, इसके अलावा दोनों चीज़.